तो समय का घड़ियाल दिखाते हैं लोग, अगर कोई खुल के हंसे तो अलग है और अगर वो भी हंसी है। हाँ ठीक है, ऐसे नौ प्रकार है और नौ के नौ बताते हैं कि ये क्यों हंस रहा है। यहाँ पर श्राम जी के सामने लक्ष्मण जी व्यंग मुस्कान कह सकते हैं, अपमानजनक मुस्कान करके बोलते हैं, सुनो कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु ना सरिसकीन। इसका मतलब परशुराम और लक्ष्मण पहले भी कहीं मिल चुके हैं, बता रहे हैं कि पहले धनुष तोड़ी थी तब तो क्रोध नहीं आया था, और यही धनु पर ममता के ही हेतु। सुन रिसाई कह भृगकुल, वास्तव में तोड़ी थी एक नहीं सौ धनुष तोड़ी थी और लक्ष्मण जी ने तोड़ी थी। जब क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प महाराज परशुराम ने लिया था, क्षत्रिय विहीन किया भी था 21 बार पृथ्वी को, उसका मूल कारण था सहस्त्रबाहु इनके पिता के आश्रम में आया था। आश्रम की व्यवस्था को देखकर उसके लगा यहां कुछ भी नहीं है, कामधेनु वहां पर थी, कामधेनु गैया ने सब कुछ प्रदान किया, अंत में महाराज सहस्त्रबाहु ने कामधेनु तो छीन लिया और रोकने पर इनके पिता का हत्या कर दिया था, एक साथ गौ हत्या और विप्र हत्या कर दिया था, और इसी क्रोध में उसका उन्होंने बदला लिया। उस समय आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एक वृद्ध स्त्री के स्वरूप में, मां के स्वरूप में, और लक्ष्मण जी एक छोटे बच्चे के स्वरूप में परशुराम जी की कुटिया के नजदीक गए थे, और पहली बार परशुराम जी के जीवन में दया आई है। संध्या काल का प्रहर है, परशुराम जी ने कहा कि आप इसमें विराजित हो जाओ। कहे नहीं बाबा, मैंने सुना है आप बहुत क्रोधी हो, आपने तो अपने माँ का भी गला काट दिया है, और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, अगर इसने कोई गुनाह कर दिया तो आप इसे भी मार दोगे। परशुराम जी ने कहा नहीं, इसके 100 गुनाह मैं माफ कर दूंगा, 100 धनुष तोड़ी थी। और यहां पर परशुराम जी वही कहते, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही समा धनवा समत्रिपुरा विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस, क्या तुझे काल का भय नहीं है? जेवा को संभाल कर बात नहीं करता, शिव धनुष की तुलना सारे साधारण धनुष से करता है, और लक्ष्मण जी भी कम नहीं है। हंस के दोबारा कह रहे हैं कि नहीं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, मेरे लिए तो सारे धनुष बराबर है महाराज, मुझे क्या पता। और का छति लाभ जीन धनु तोरे, का छति लाभ जीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष टूट गया तो क्या लाभ होना है और क्या हानि होना, भगवान के राम के समक्ष आई ये बात तो छुअत टूट रघुपत ही ना दोष, और मुनि बिन काज करिए सुत रोष, छूते ही टूट गया इसमें राम का कोई दोष नहीं है, बिना कारण आप इन पे क्यों क्रोध कर रहे हो। मिलता कौन था, उनके बड़े आकर्षक भाव होते थे, पहले तो मिली है तो है प्यारे पंडित जी, पहले तो मिली है तो है प्यारे पंडित जी, जाओ ससुराल में बेटा तुम्हें पहले पंडित जी मिलेंगे। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छेदानम,
जाओ पहले विप्र देवता मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी कहेंगे हर हर महादेव। जो आवो तो मंत्र पढ़ावे ससुराल गली आपे जो धीरे धीरे जइयो ससुराल गली ओ बन्ना धीरे धीरे जइयो ससुराल गली। वो भाव था और आज सब उल्टा हो गए जी। जनकपुर में पहुंच गई है, आज जनकपुर की नारियां भी गाली गा रही हैं। जनकपुर की जो सखियां हैं ना आज गाली गा रही हैं, और कितनी मनोहर गाली सुनिए आज। हरि प्रेम दीवानी, ससुराल में जाओ तो आपके कपड़े सिल दिए जाएं, आपके जूते चुरा लिया जाए, राम जी का ब्याह है तो सब सखियां गाली गा रही हैं, आनंद लेती हैं। कैसी गाली गा रही है तिवारी बाबा। हरि प्रेम दीवानी हो करके नारियां, प्रेम दीवानी हो करके रानियां, देती राम जी को गारियां, प्रेम दीवानी हो करके नारियां, देती राम जी को गारियां, प्रेम दीवानी हो करके रानियां, देती राम जी को गारियां, प्रेम दीवानी है प्रेम दीवानी, हाँ प्रेम दीवानी हो करके नारिया, देती राम जी को गारिया, प्रेम दीवानी हो करके नारिया, देती राम जी को गारिया। आओ देखिए तिवारी जी, गोरे दो सुकुमार गोरी माता है तुहार, गोरे दो सुकुमार गोरी माता है तुहार। सखिया कहती है हे राम तुम्हारी मैया गोरी है, शत्रुघ्न और भरत लक्ष्मण भी गोरे, तुम्हारा रंग थोड़ा अलग कैसे। कितने पाप है कितने बाप है तुम्हारे पूछे रानिया, प्रेम दीवानी हो करके रानिया, आप देखिए सिन्हा साहब गाड़ी देते देते अब नाम भूल गई तिवारी बाबा। राम को गाली देने जा रही थी ना, अब भाव में भूल गई, अब राम जी को गाली ना दे रही हो। राम जी के कहा था ना गोरे दो सुकुमार गोरे बाप, गोरे दो सुकुमार गोरी माता है तुहार, कितने बाप है तुम्हारे पूछो रानिया। अब अयोध्या वालों को गाली देना भूल गई, अब जनकपुर वालों को गाली देने लग रही है, भूल ही गई सब भगवान के रूप के दे। तोहरी जनक लली जैसे कुसुम कली, तोहरी जनक लली जैसे कुसुम कली, तोहरी जनक लली जैसे कुसुम कली, तोहरी जनक लली जैसे कुसुम कली। कैसे भैली कैसे भई मन चली है पूछ रानिया, देती राम जी को गारिया, प्रेम दीवानी हो करके रानिया, देती राम जी को गारिया। भगवान का फेरे का समय आ गया है, भगवान की फेरे की स्थिति आई है, घुड़सड़ी की तैयारी हो रही है, सारे देवी देवता खड़े होकर देख रहे हैं। गोस्वामी जी शंकर जी भगवान श्री हरि कहते अरे मेरे बिहारी मेरे परमात्मा के लिए जो घोड़ा लाया गया ना वो घोड़ा ठीक नहीं है,
राम जी के घुड़चढ़ी के लिए जो घोड़ा चढ़ाई के लिए लाया गया, ये घोड़ा ठीक? ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी नगरी तो मैंने बनाई, शिव कहते आनंद लो। परमात्मा मानने की चीज है, जानने की नहीं। तुलसी जी ने कहा भाई ये घोड़ा मेरे हिसाब का नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपके हिसाब का घोड़ा नहीं है तो आपके पास अगर कोई सुंदर घोड़ा है तो आप ही दे दो ना घुड़चढ़ी के लिए। तुलसी जी ने कहा भाई ये घोड़े मेरे राम के घुड़चढ़ी के लिए नहीं है, वास्तव में मेरे राम की घुड़चढ़ी के लिए मैं घोड़ा दूंगा। पवन से भी तीव्र गति से तेज उड़ने वाले इस मन रूपी घोड़े पर मैं एक बार मेरे राम की सवारी कराना चाहता हूं, यह घुड़चढ़ी पूरी हो जाएगी महाराज। आज राम जी ने फेरे लिए, दो फेरे लिए खड़े हो गए जी। महाराज जी ने कहे भैया आप क्या चाहिए? ए बताओ दामाद जी, सात तो पूरे करो। अब तो खैर फेरे का पता ही नहीं रह जाएगा थोड़े दिनों बाद। डालो माला, बन जाओ घर वाला, है ना? ठीक है। वहां पर सुनिए आप, दो फेरे लिए खड़े हो गए, कहे महाराज अब क्या चाहिए? देखो भैया मैं राम हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, धनुष का भंजन मैंने किया, लेकिन विवाह अगर अकेला करूं तो अशोभनीय होगा, इसलिए लगे तो गुरु महाराज से राय ले लो। जथा योग ते ही भांति विचार कर तुम्हारी बाबा, तोहरे है चार हमरे है चार, पहले ले सोच विचार फिर हो द्वारे चार। हम चार भाई हैं, आपकी चार बेटियां हैं, सबका विवाह कर दो। ठीक है, विवाह भी कर दिया। थोड़ी देर और चले फिर खड़े हो गए, भैया आप क्या चाहिए? लड़के वाले तो जी क्या चाहिए जी? कह देखो जी हम राजा हैं, हमारे साथ जो बराती आए वो सारी हमारी प्रजा है, और हम ब्याह के जाएं बाकी खाली जाएं तो बात ठीक नहीं बनेगी। तो प्रमाण मिला है कि महाराज अयोध्या से जितने भी लोग आए थे ना जनकपुर में, जिस जाति समाज व्यवहार के थे सबका विवाह मिथिला में हो गया था, इसलिए आज भी अयोध्या वाले मिथिला वालों को वही कह देते हैं और मानते भी हैं। अब अयोध्या वासियों के यानी भगवान श्री राम की जनकपुर की सखियों ने जूते चुरा लिए हैं महाराज, पादुका चुरा ली है, पादुका चुरा लिया, उसके ऊपर लाल वस्त्र डाल दिया, सिंदूर डाल दिया, दीपक जला दिया। राम जी से कहते हैं राम जी अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए, बोले हाँ जी। अब तो हमारे अपने हो गए, बोले हाँ जी पक्का, बोले हाँ जी। अच्छा तो ये मेरी कुल की देवी भी आपकी होगी? बोले हाँ जी। बोले ये मेरी कुल की देवी है, इसका चरण छुओ। होता है सर, फूलों का हार, ससुराल का प्यार। आगे की लाइन में बोल नहीं सकता तिवारी जी, आप समझ लेना, है ना जी? जुड़े भगवान की पादुका छिपाई है, ध्यान देंगे, हर चीज में अध्यात्म छिपा होता है। भगवान की पादुका छिपाई है, ऊपर से वस्त्र रखा है, दीपक जला दिया है, और सखिया कहते हैं राम जी ये मेरे जनकपुर के कुल की धोबी हैं, आप इनका बंधन करो। क्या करेंगे?